हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई। और आपने टेस्ला और उस जैसी कंपनीज के बिना ड्राइवर चलने वाली कार्स के इन्वेंशन के बारे में तो जरूर सुना होगा। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आइडिया इन कंपनीज को शायद हमारे बचपन में आने वाले शकलाका बूम बूम के संजू से मिला था। हाँ, क्योंकि इस शो ने आज से 18 साल पहले यानी 2004 में ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। और सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कार्स ही नहीं, आज जिस आधार कार्ड से आप पूरे इंडिया में अपनी पहचान का प्रमाण दे सकते हैं, उस आधार कार्ड का जन्म भी इस शो में ही हुआ था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उन सभी चीजों की लिस्ट दूं जिसका प्रेडिक्शन इस शो ने बिना किसी बाबा की बूटी के खाए कर दिखाया था, सोचने वाली बात तो ये है कि टीवी पर आने वाले एक बच्चों के शो ने ये कैसे किया, आखिर इनके पास ऐसा कौन सा मंत्र था। वेल, इसका जवाब आपको मिलेगा आपके फैक्ट भाई के साथ हमारे आज के वीडियो टाइटल प्रेडिक्शन ऑफ शकलाका बूम बूम मेड अबाउट 2022 व्हिच आर ट्रू। नंबर 1, स्मैका। जैसे मैंने बताया था, आधार कार्ड जिससे इंडिया को 2009 में मिलने का मौका मिला था। क्या आप सोच भी सकते थे कि संजू ने सबसे पहले इस कार्ड का इस्तेमाल किया था, लेकिन तब इस आधार कार्ड का नाम स्मैका था। मेरा मतलब शकलाका बूम बूम के 4 सीजन के पहले एपिसोड में संजू टाइम ट्रेवल करके 2022 में पहुँचने के बाद जब एक बिल्डिंग में पहुँचा था तो उससे स्मैका मांगा गया था। अपना सिक्योरिटी कार्ड स्मैका हमेशा तैयार रखिए, जिसका मतलब शो के फैंस के मुताबिक SM स्मार्ट ई इलेक्ट्रॉनिक CA कार्ड था, जिसमें एक इंसान की सारी डिटेल मौजूद होती है। अब क्योंकि संजू पास से फ्यूचर में गया था, उसके पास ये स्मैका नहीं था, जिसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी स्मैका कुछ और नहीं, हमें देखने मिलने वाला आज के आधार कार्ड का ही एक रूप था। क्योंकि आधार कार्ड ये एक बायोमेट्रिक ID सिस्टम है, जिसे जनवरी 2009 में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडिया के सिटीजन्स के लिए इशू किया था। हमारा आधार कार्ड बेसिक डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से लिंक है, जैसे फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट, आयरिस स्कैंस एटसेट्रा। हालांकि आधार कार्ड का पर्पस किसी भी ID कार्ड को रिप्लेस करना नहीं था, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि लोगों के पास एक ऐसा ID कार्ड हो जिसमें उनके सारे डिटेल्स रहें और जिससे सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिंक कर सकें, जैसे सिम कार्ड, बैंक अकाउंट, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, सब्सिडाइज राशन, LPG, केरोसिन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपको ये जान के हैरानी होगी कि जुलाई 2018 तक 1.22 बिलियन से भी ज्यादा लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिया था, जो हमारे इंडिया की ओवरऑल 90% पॉपुलेशन है। नंबर 2, सेल्फ ड्राइविंग कार। हमारी लिस्ट का दूसरा प्रेडिक्शन देख आप भी मेरी तरह हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ एलन मस्क को ही महान समझता था, पर इस शो का राइटर तो उससे भी आगे निकला। सेल्फ ड्राइविंग कार उसने 2004 में ही दिखा दी, वो भी फुली डेवलप्ड। यस, इस एपिसोड में जब संजू अपने स्कूल से निकल के बाहर आता है तो उसे एक पोल दिखाई देता है, जिस पे लगा माइक्रोफोन संजू के लिए एक टैक्सी बुक करता है, जो कुछ ही मिनटों में वहाँ आ भी जाती है, कुछ वैसे ही जैसे आज ओला उबर आती है, पर ये कार ड्राइवर लेस होती है। अगर हम देखने जाएं तो इस ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन 1939 में जनरल मोटर्स ने वर्ल्ड फेयर के एग्जीबिशन में ही कर दिया था, लेकिन ऑलमोस्ट 20 साल बाद 1958 में नॉर्मन बेल गेडिस ने सेल्फ ड्राइविंग कार इंट्रोड्यूस की, और ऐसे ही इवोल्यूशन होते रहे, पर आज तक एक भी रिलायबल कार मार्केट में नहीं आ पाई। अब जब सेल्फ ड्राइविंग की बात कर रहे हैं तो थोड़ा एलन मस्क को भी याद कर ही लेते हैं, क्योंकि इन जनाब की तो बात ही निराली है। इसीलिए क्योंकि 2003 में एलन मस्क ने टेस्ला मोटर्स की शुरुआत की, जिसके दूसरे ही दिन उन्होंने US से प्रॉमिस किया था कि वो ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ 3 से 5 साल में बना लेंगे। और 2019 के एक ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा था कि ये साल खत्म होने तक मार्केट में सफिशियंट कार्स आ चुकी होंगी जिसे वो खुद भी यूज करेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि 2019 में कोरोना आ गया और एलन मस्क के साथ साथ सभी के सपनों पे पानी फिर गया। पर जब भी ऐसा होगा सोचो कितना कूल होगा और इसके कितने बेनिफिट्स होंगे, है ना? जैसे फ्यूल पे पैसे नहीं डालने पड़ेंगे, प्लस कार ना चलाने से बचे वक्त को आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इस्तेमाल कर पाओगे, और बच्चे, बूढ़े, डिसेबल लोगों के लिए भी ये काफी यूजफुल हो सकता है जो खुद गाड़ियां नहीं चला सकते, है ना? नंबर 3, सर्वेलेंस कैमरा। ऊपर वाला सब देख रहा है, ये तो मैंने सुना था, बट उसने 2004 में देखना चालू किया, ये मैंने आज जाना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं टॉपिक से भटक गया हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो तीसरे प्रेडिक्शन का इशारा दे रहा था, जो है सर्वेलेंस कैमरा। इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन जर्मन इंजीनियर वाल्टर ब्रिश ने 1942 में सबसे पहले किया था। उस समय इसे V2 रॉकेट के लॉन्च पे नजर रखने के लिए बनाया था, यानी कि सिर्फ स्ट्रिक्ट लाइव मॉनिटरिंग के लिए।
हालांकि अब लोग इसका इस्तेमाल काफी नॉर्मली करने लगे हैं और इसके इस्तेमाल के साथ ही समय समय पर इस टेक्नोलॉजी में कई विकास भी आया है। एग्जाम्पल के लिए इसकी क्वालिटी और रिकॉर्डिंग एबिलिटी को ही ले लो। इसके अलावा कंपैरेटिव इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर हम कंट्रीज के हिसाब से देखें तो चाइना की सिटीज में सबसे ज्यादा सर्वेलेंस कैमरा है और इसका सिस्टम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि 2010 से लेकर 2019 तक गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉग्निशन कैमरा की डिमांड भी बढ़ी है और आज ग्लोबली 770 मिलियन कैमराज लगे हैं, जिसमें से 54% कैमराज तो सिर्फ चाइना में ही हैं। इनफैक्ट 2004 से 2020 तक 76,000 सर्विलेंस कैमराज गवर्नमेंट के ऑर्डर पे तैनात किए गए। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि वो दिन दूर नहीं जब चाइना एक ग्लोबल सर्विलेंस सुपर पावर बन जाएगा। और सिर्फ चाइना ही नहीं, चाइना की तरह और भी ऐसे कई देश हैं जो अपने आप को इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर इस टेक्नोलॉजी का प्रेडिक्शन भी पहले दो प्रेडिक्शन की तरह संजू ने शाकालाका बूम बूम में ही कर दिया था। जैसे इस एपिसोड में जब संजू पुलिस स्टेशन में होता है तो वहां उसे पता चलता है कि हर जगह कैमराज लगे हैं जो बेसिकली हर एक मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पुलिस को पहले ही पता चल जाएगा कि क्राइम कहाँ होने वाला है और उसके होने से पहले ही वो उसे रोक भी लेंगे। हालांकि रियलिटी इससे आज की डेट में थोड़ी डिफरेंट जरूर है, पर प्रेडिक्शन ऑन पॉइंट था। नंबर 4, जीपीएस ट्रैकिंग। अब सोच रहा हूँ कि जीपीएस ट्रैकिंग जैसे अच्छे सिस्टम के लिए थैंक्स किसे बोलूं, संजू को या सुंदर पिचाई को, क्योंकि संजू का अगला प्रेडिक्शन जीपीएस ट्रैकिंग था और ये प्रेडिक्शन शगलगा बूम बूम में उस लेडी ऑफिसर के चश्मे ने किया था जो पहले संजू को और फिर शो के दूसरे कैरेक्टर्स सैंड्रोस को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसी के चश्मे में हमें गूगल मैप की तरह दिखने वाला ये जीपीएस नजर आता है, जिसे रॉजर एल ईस्टन, जो एक अमेरिकन इन्वेंटर हैं, उन्होंने यूएस के स्पेसक्राफ्ट और मिलिट्री फोर्स को असिस्ट करने के लिए इन्वेंट किया था। और इनके बाद इवान गेटिंग, ब्रैडफोर्ड पार्किंसन, डॉक्टर ग्लैडिस वेस्ट ने इसमें बाकी डेवलपमेंट्स लाए, जिसकी बदौलत ये सिस्टम आज हम इतना सक्सेसफुली इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर गौर करें तो आज ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम इसका उपयोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आए दिन करते रहते हैं, जिसे ब्रदर्स लार्स जेंस रेस्म्यूसन ने गूगल मैप का नाम देकर फरवरी 8, 2005 में लॉन्च किया था। लेकिन देखा जाए तो गूगल मैप के कई ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे अगर आपका डिवाइस वाईफाई से कनेक्टेड है और अगर टॉवर मिस हो जाता है तो वो अपडेट शो करना बंद कर देता है, जिससे कि ट्रैवलर को परेशानी भी हो सकती है। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स टाइम्स ऑफ इंडिया के रिसेंट आर्टिकल में बताए गए थे। पर इसी के साथ साथ एप्स में भी कुछ अपडेट्स आए हैं, जैसे एरिया बिजनेस गूगल मैप में एक नया अपडेट है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा एरिया बिजी है या क्राउडेड है। इसके साथ साथ और भी अपडेट्स बताए गए हैं, जैसे डायरेक्टरी टैब, जो लोगों को हर जगह की, चाहे वो शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, ट्रांजिट स्टेशन, कुछ भी हो, सबकी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, इन्फॉर्मेशन के साथ ही ऐप में नए नए अपडेट्स की मदद से डिटेल रिव्यूज और ग्रोसरी पिकअप्स जैसे फीचर्स को भी शामिल किया गया है, जिसमें कस्टमर्स अपने ऑर्डर स्टेटस को ट्रैक कर ये तक डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें उनका ऑर्डर कब चाहिए। नंबर 5, रियलिस्टिक गेम्स। ये वही पल था जब शाकालाका बूम बूम में रियलिस्टिक गेम की भविष्यवाणी की गई थी, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो इसमें इस गेम को इन्होंने रियलिस्टिक गेम बनाया है, लेकिन असल में ये एक मूवी का सीन था जो आज सच में इतना ज्यादा रियल बन गया है कि लोगों को रियलिस्टिक गेम के लिए मूवी क्लिप की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे वीआर का इतिहास कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन आज जो हम वर्चुअल गेम्स देखते हैं उसकी शुरुआत 1980 में हुई थी और इसका क्रेडिट जाता है जेरर लैनियर और थॉमस जी जिमरमैन को, जिन्होंने हार्डवेयर इक्विपमेंट बनाना चालू किया था, जिसमें सबसे पहला इक्विपमेंट था हैंड ग्लव्स, जिसे वीपीएल रिसर्च का नाम दिया गया, यानी वीपीएल हैंड ग्लव्स यूजर को उनके फिंगर मूवमेंट्स को कंप्यूटर में इनपुट करके एक रियलिस्टिक फीलिंग देती है। और इन हैंड ग्लव्स के मार्केट में आने के बाद इसे कुछ गेम्स में भी यूज किया जाने लगा था, जैसे कि सुपर ग्लव बॉल और बैड स्ट्रीट ब्रॉलर। फिर 1995 में निंटेंडो, जो कि वीडियो गेम कंपनी है, उसने डिसाइड किया कि क्यों ना इस टेक्नोलॉजी को ट्राई किया जाए, और इसके चलते निंटेंडो ने ब्लैक एंड रेड कलर का एक हेडसेट यानी कि वर्चुअल बॉय बनाया, जिसे रेंटल कैंपेन में काफी सफलता मिली थी और उसने फिर इसे रिटेल में भी लॉन्च किया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, इस सफलता के बाद उसने कई वीआर गेम्स निकाले, जैसे रेड अलर्ट, टेलेरो बॉक्सर, मारियोस टेनिस वगैरह वगैरह। और अगर आज इसका मार्केट साइज देखा जाए तो दूसरे देशों को छोड़ो, हमारे खुद के देश में 2013 में इसका फंड 7.04 बिलियन रुपीस था और 2017 तक ये बढ़ के 122.44 बिलियन रुपीस हो गया, जो CAGR की रिपोर्ट के हिसाब से 104.24% तक का इंक्रीमेंट है। वेल, ये कुछ प्रेडिक्शंस थे जो शाकालाका बूम बूम के एपिसोड में दिखाए गए थे। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि
तो शायद आप गलत हो, क्योंकि ये सारी चीजों की शुरुआत कहीं ना कहीं 80s और 90s में ही हो चुकी थी, जिससे हम जैसे मासूम लोग बेखबर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि GPS का प्रेडिक्शन के बारे में बताया था, वो एक्चुअली 2004 के एपिसोड में दिखाया गया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि उसी साल उसके इन्वेंटर को उसके इन्वेंशन के लिए मेडल भी मिला था। और आप लोग सोच रहे थे कि ये सब मैजिक है, मतलब कमाल है यार। वैसे आपको ये सारे प्रेडिक्शंस जान के कैसा लगा? आपका इन प्रेडिक्शंस के बारे में क्या सोचना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नए फाड़ू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।